देखो आज का टॉपिक क्या है, इंटरनल एनर्जी। हम लोग ऑलरेडी देखो जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का दो तरीके हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट था हीट प्रोसेस, हीट के थ्रू से भी एनर्जी ट्रांसफर हो सकते हैं, और दूसरा क्या था, वार्प के थ्रू से एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, आज हम लोग नया टर्म्स पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, व्हिच इज डिनोटेड बाय ई और यू। इंटरनल एनर्जी को किस से डिनोट किया जाता है, ई और यू से डिनोट किया जाता है। इंटरनल एनर्जी को ई और यू से डिनोट किया जाता है। क्या होता है एक्चुअली, अगर इससे टोटल एनर्जी, कोई भी सिस्टम का टोटल एनर्जी को क्या होता है, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस होता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी टोटल एनर्जी किसी का भी कोई भी सिस्टम का भी टोटल एनर्जी कॉस्ट होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आता है, ड्यू टू मोशन की वजह से आता है। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आता है, ड्यू टू मोशन की वजह से होता है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, क्या एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, पूरा का सिस्टम रेस्ट में और कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। अगर रेस्ट में है मतलब मोशन नहीं है, मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा। एक्सटर्नल फील्ड नहीं है मतलब कोई अट्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगा। तो आप लोग कैसे बोल सकते हैं टोटल एनर्जी को क्या बोलेंगे, अभी टोटल एनर्जी क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरनल एनर्जी। देखो टोटल एनर्जी का क्या हो रहा है, अभी इंटरनल एनर्जी हो रहा है। ठीक है, अगर इंटरनल एनर्जी को अलग से हम लोग देखते हैं तो देखते हैं इंटरनल के मतलब क्या होता है। कोई कोई बुक में ये भी लिखा रहता है, ठीक है, दोनों सेम है, इंटरनल एनर्जी अदरवाइज यूज नहीं होता है। मतलब इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है एक्चुअल में अंदर का एनर्जी बोलता है ना, मतलब उसके अंदर बहुत सारा एनर्जी का काम होता है। क्या क्या होता है, कोई काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी में बहुत सारा टाइप होते हैं, काइनेटिक एनर्जी किसके वजह से होते हैं, मोशन के वजह से हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशन के वजह से हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन के वजह से हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल्स अपने जगह पर रोटेट कर रहे हैं, कोई मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं, कोई मॉलिक्यूल मोशन हो रहे हैं, सबको ऐसे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हो सकते हैं। मतलब क्या, बहुत और भी बहुत सारे एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी का क्या साम करके हम लोग को मिलता है इंटरनल एनर्जी। बहुत सारे एनर्जी का अगर हम लोग साम करेंगे तब हम लोग क्या मिलेगा, इंटरनल एनर्जी मिलेगा। तो हम लोग ये बस देख के लग रहा है इसको निकालना बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा समझे बात से क्या बोल रहा हूँ मैं, इंटरनल एनर्जी का अगर हम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेट करने जाएंगे, सबको एनर्जी का अगर जोड़ने जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट है। इतना सारा और भी है, बहुत सारा सब एनर्जी का अगर जोड़ के हम लोग इंटरनल एनर्जी को निकालेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी और एग्जैक्ट हम लोग कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, इंटरनल एनर्जी को डायरेक्ट नहीं निकालते, इट इज इम्पॉसिबल। इसको निकालना क्या है, इंटरनल एनर्जी को अलग से इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। सिस्टम का इंटरनल एनर्जी निकालना क्या है, इम्पॉसिबल, क्योंकि इतना सारा एनर्जी को साम करके हम लोग को निकालना पड़ता है, तो जो क्या है इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्या करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को निकालते हैं। हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग क्या
चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिलेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालते हैं, जिसको क्या बोलते हैं डेल्टा यू बोलते हैं, उसको निकालते हैं। डेल्टा यू कॉस्ट क्या होता है, यू ऑफ फाइनल माइनस ऑफ यू ऑफ इनिशियल। डेल्टा यू कॉस्ट होते हैं यू ऑफ फाइनल माइनस ऑफ यू ऑफ इनिशियल, ठीक है। इसको हम लोग निकालते हैं, मतलब फाइनल देखते हैं इनिशियल देखते हैं, बीच में कितना सारा स्टेप है क्या है उसको हम लोग नहीं देखते, ठीक है। एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है डेल्टा यू इक्वल्स टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू इक्वल्स टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, अच्छे से याद रखना, एक बार समझ लो। इंटरनल एनर्जी का होता है हीट प्लस वर्क, दोनों मिला के क्या होता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के बारे में कुछ पॉइंट्स को याद रखना हम लोगों को। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, U is an extensive property next होता है U क्या state function होता है, state function मतलब initial और final work के ऊपर depend करेगा। U is a state function, U क्या होता है state function होता है, मतलब U क्या है, U is only is depend only initial and final state, initial and final state and final, ठीक है। देखो हमने बोला था हमारा स्टेट फंक्शन, कोई सा भी स्टेट फंक्शन रहे उसका साइक्लिक प्रोसेस का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। हम लोग क्या थे कल बताया था आपको, डेल्टा यू आप अगर साइक्लिक होगा, कोई सा भी स्टेट फंक्शन होगा, कोई सा भी स्टेट फंक्शन उसका चेंज साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग बता रहे हो डेल्टा यू इक्वल टू यू ऑफ फाइनल माइनस यू ऑफ इनिशियल है, ओके। अब साइक्लिक प्रोसेस मतलब वैसा टाइप का, साइकिल नेटवर्क कंप्लीट है, जहां पे स्टार्ट वहीं पे खत्म हो गया, मतलब इनिशियल और फाइनल सेम हो रहा है, तो इन लोग को माइनस करोगे तो क्या होगा, जीरो आएगा। कोई भी स्टेट फंक्शन रहे उसका डेल चेंज क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब डेल्टा एम निकालने का कुछ और तरीका भी ढूंढ लेते हैं, डेल्टा एम निकालने का और कुछ फॉर्मूला भी होता है, फॉर आइडियल गैस, यहाँ पे बात हो रहा हूँ पूरा चैप्टर बेसिकली क्या करेंगे, गैस को लेकर एक्सप्लेन करूंगा, पूरा थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग गैस को लेकर एक्सप्लेन करेंगे। फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू इक्वल्स टू होता है एन सी वी डेल्टा टी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर आइडियल गैस के लिए क्या होते हैं इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, डेल्टा यू इक्वल्स टू होते हैं एन सी वी डेल्टा टी, यहां पे एन क्या नंबर है मोल, सी वी आप कल पढ़े हो, सीवी को क्या बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीवी को क्या बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा टी को बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। देखो आइडियल गैस के लिए क्या फॉर्मूला था डेल्टा यू का, एन सी वी डेल्टा टी, जहां पे एन क्या नंबर ऑफ मोल है, सी वी क्या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, डेल्टा टी का चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अगर स्मॉल चेंज होता है तो डेल की जगह पे डी हो जाएगा, बस डी यू इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल चेंज के लिए एन सी वी डेल्टा टी। अब यहाँ पे और एक पॉइंट नोट करना है आपको, फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड
इसे बोल रहा हूँ फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर. ठीक है, अगर मान के चलो ऐसे दे दिया कोई प्रोसेस है आइसोथर्मल है, समझो अच्छे से बात को. आइडियल गैस के लिए क्या है? इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. इंटरनल एनर्जी ओनली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं. हम लोग अभी अभी फॉर्मूला भी देखे हैं, डेल्टा इक्वल्स टू था एन सी वी डेल्टा टी. मान के चलो बोल दिया कोई आइडियल गैस आइसोथर्मली आइसोथर्मली आइसोथर्मल टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, समझो अच्छे से. कोई आइडियल गैस है आइसोथर्मली है, उसका इंटरनल एनर्जी कितना होगा? बोले आइसोथर्मली मतलब टी कॉन्स्टेंट है, टी कॉन्स्टेंट मतलब चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी जीरो, तो उसका इंटरनल एनर्जी कितना होगा बताओ? इक्वेशन देख के बताओ. अगर डेल्टा टी जीरो हो जाएगा तो डेल्टा टी जीरो होगा तो इंटरनल एनर्जी कितना होगा? देख के बताओ डेल्टा टी जीरो होगा तो इंटरनल एनर्जी कितना होगा? डेल्टा के जगह जीरो जीरो होगा. देखना यहाँ पे यू कितना होगा? डेल्टा यू जीरो. अच्छा समझो, फिर से मैं पढ़ाऊँ. फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ओनली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते. फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते. अगर मैं प्रोसेस आइसोथर्मल बोल दूँ, आइसोथर्मल मतलब टी कंस्टेंट, टी कंस्टेंट मतलब डेल्टा जीरो, डेल्टा जीरो मतलब डेल्टा यू भी क्या हो गया? जीरो हो गया. ठीक है, आएगा न्यूमेरिकल में ये सब चीज बताऊंगा फिर से. अच्छा यहाँ पे क्या था मेरे को? डेल्टा इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी. अब डेल्टा सी वी को निकालने का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता होगा. सी वी इक्वल्स टू क्या था? एफ बाय टू आर था. एफ का क्या बोलते थे? एफ इक्वल्स टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम. एफ का वैल्यू क्या था? मोनोएटॉमिक के लिए था, मोनोएटॉमिक के लिए था. सी था डायटॉमिक के लिए था, फाइव है ट्राइटॉमिक के लिए था, सिक्स. ओके इतना तो पता होगा सबको. अब वैल्यू दिया रहेगा, हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं. ठीक है, अब देखते दूसरा. देखो हम लोग को डेल्टा इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बोला हूं अभी? क्यू प्लस डब्ल्यू. डेल्टा इक्वल्स टू था क्यू प्लस डब्ल्यू. ठीक है, अब देखते हैं बच्चे समझना क्यू का क्या होता है. क्यू का एक्सप्रेशन था उनको क्या था? एम सी डेल्टा टी. ठीक है, अच्छा एम सी ए डेल्टा. ठीक है, अच्छा समझना. इसमें हम लोग क्या पढ़े थे? एन सी डेल्टा टी, जिसका एन को बोलते हैं मोल, नंबर ऑफ मोल. सी को बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. और टी को बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है, अब मान के चलो आप लोगों को दिया है एट कंस्टेंट वॉल्यूम होगा, तो कंस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा? इसके क्यू वी इक्वल्स टू एन, सॉरी एन यहां पे सी के जगह पे सी वी हो जाएगा. ठीक है, कंस्टेंट वॉल्यूम बोलूंगा तो सी वी हो जाएगा. अगर कंस्टेंट प्रेशर में होता है, कंस्टेंट प्रेशर हो जाएगा तो क्या होगा? क्यू पी इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा. इसको भी हम लोग कल पढ़े थे, एन सी पी
डेल्टा टी। ओके क्यू का हल हम लोग दोनों प्रोसेस में निकाल लिया, कॉन्स्टेंट प्रेशर में भी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में भी निकाल लिया। अब डब्ल्यू देखते हैं, अब डब्ल्यू देखते हैं कैसे करेंगे, डब्ल्यू को कैसे निकालेंगे। अब आते हैं वर्क डन को कैसे निकालेंगे, अभी हीट का निकालेंगे और वर्क डन को कैसे निकालेंगे। वर्क डन का भी दो तरीके था, वर्क डन का भी दो तरीका था। अगर कंस्टेंट फिर से मैं फॉर्मूला करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू निकालने के दो तरीके बोल दिया हूँ, एट कंस्टेंट प्रेशर कंस्टेंट वॉल्यूम। अब आते हैं वर्क डन, एट कंस्टेंट प्रेशर, कंस्टेंट प्रेशर वर्क डन इक्वल टू होता है क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। एट कंस्टेंट प्रेशर वर्क डन इक्वल टू होते हैं माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ओके एट कंस्टेंट प्रेशर में वर्क डन होता है माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। अगर प्रेशर कंस्टेंट नहीं है, व्हाइल प्रेशर इज नॉट कंस्टेंट, प्रेशर इज नॉट कंस्टेंट, तब क्या फॉर्मूला बनाता है, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। अदरवाइज और एक फॉर्मूला था W इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व। दोनों फॉर्मूला का बताया था आप लोगों को, देखो फिर से बोल रहा हूँ, वर्क डन को निकालने के दो तरीके बता रहा हूँ। एक तो होता है कंस्टेंट प्रेशर, कंस्टेंट प्रेशर में क्या था माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और अगर प्रेशर कंस्टेंट नहीं था तब दो तरीका है कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी और क्या था एरिया अंडर द कर्व। ओके अगर क्वेश्चन देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स, मैं फॉर्मूला को फिर से ऊपर में लिख दे रहा हूँ सबको, हम लोग को था डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, Q निकालने का दो तरीका था, Q एट कंस्टेंट P था A C P डेल्टा T, और Q एट कंस्टेंट V था A C V डेल्टा T। ओके W का क्या था, W इक्वल टू था माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, यहाँ पे क्या कंस्टेंट प्रेशर, और था W इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P एक्सटर्नल डेल्टा V, और था W इक्वल टू एरिया अंडर द एरिया अंडर कर्व। ठीक है एरिया अंडर कर्व। अब क्वेश्चन है आप लोग के लिए, अच्छा आप लोग भी नोट करो क्वेश्चन को जल्दी से। क्वेश्चन है 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी 5 इज 0.5 लीटर ऑफ 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज हीटेड, 0.5 mole of oxygen is heated from 25 degree Celsius to 125 degree Celsius at constant pressure. Calculate Q डेल्टा यू एंड डब्ल्यू। क्वेश्चन समझो अच्छे से, बोला है 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज हीटेड फ्रॉम 0.25 डिग्री सेल्सियस टू 125 डिग्री सेल्सियस एट कंस्टेंट प्रेशर, कैलकुलेट क्यू डेल्टा यू एंड डब्ल्यू। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, क्या क्या दिया है उसको नोट करते हैं। और एक चीज आप लोगों को बता रहा हूँ, देखो हम लोग यहाँ पे कोई जो टेम्परेचर को पुट करेंगे ना, हमेशा केल्विन में पुट कर देंगे, बता रहा हूँ कहाँ पे अलग होगा, केल्विन में पुट करेंगे, अलग से अगर टेम्परेचर होगा ठीक है, अलग से अगर टेम्परेचर टी को पुट करना है तो केल्विन में करना, बट अगर चेंज कोई चेंज मतलब डेल्टा टी, मान लीजिए डेल्टा टी का अगर लिखना है मतलब कि फाइनल कंडेंसेशन इनिशियल, वहाँ पे हम लोग को चेंज करने की जरूरत नहीं। फिर से बोलो, अगर हम लोग को बस टी का वैल्यू लिखना है, ओनली टी का वैल्यू पुट करना है, तब हम लोग क्या करेंगे, हमेशा टेम्परेचर को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करके लिखते हैं। बट अगर हम लोग को
चेंज को लिखना है, चेंज मतलब डेल्टा टी लिखना, आई मीन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, उस टाइम हम लोग को चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, केल्विन में टेम्परेचर को चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेल्सियस में पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, तो यहां पे मैं बता रहा हूं केल्विन में पुट करने का फार्मूला क्या है, केल्विन इक्वल्स टू क्या होता है, टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273, बस 273 से ऐड कर दूंगा तो हम लोग क्या हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, देखो बता बस क्या क्या दिया है, एन दिया है, मोल दिया है, कितना मोल दिया है, एन इक्वल्स टू 0.5, जहां पे समझते हैं बोलना, एन कितना दिया है, 0.5 दिया है, टेम्परेचर टी वन दिया है, टी वन कितना 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, और टी टू कितना दिया है, 125 डिग्री सेल्सियस दिया है, और कुछ नहीं दिया, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है, क्यू निकालना है, डेल्टा यू निकालना है, डब्ल्यू निकालना है, ठीक है। अब इतने अंदर, इसके अंदर हम लोग को क्या क्या वैल्यू मिलेगा, कोई बता पाओगे क्या क्या वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, बहुत डेल्टा यू इक्वल्स टू होता है, क्या होता है डेल्टा यू इक्वल्स टू, कहाँ था डेल्टा यू, डेल्टा यू अच्छा दे लिख पाए, डेल्टा यू इक्वल्स टू था एन सी वी डेल्टा टी, ये था फॉर्मूला ना, डेल्टा इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी लिख लेते, ठीक है, डेल्टा इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, बट सी वी का वैल्यू नहीं पता हम लोग, समझो अच्छे से क्वेश्चन को, सी वी का वैल्यू नहीं दिया है क्वेश्चन में, दिया था बट मैं नहीं लिखा हूं, देखो अच्छे से समझना, सी वी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया था बट मैंने लिखा हूं क्योंकि हम लोग को निकालेंगे, थोड़ा और सीखेंगे इसको, सी वी को निकालने का तरीका हम लोग को जब भी पता है तो सी वी को भी हम लोग निकालेंगे अलग से, कैसे निकालते देख लेते एक बार, याद होगा तो आप लोग को, इसको मिटा रहा हूं ना, सी वी का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था, सी वी इक्वल्स टू बताओ, ए बाय टू आर था कि नहीं, ए बाय टू आर, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक का वैल्यू कितना होगा कौन बताएगा, एक का वैल्यू कितना होगा, क्वेश्चन देखो अच्छे से, एक का वैल्यू कितना होगा, क्वेश्चन फाइव होगा क्योंकि देखो यहाँ पे ऑक्सीजन दैट इज अ डायटोमिक गैस, आई मीन फाइव बाय टू इंटू आर का वैल्यू टू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, कैलोरी में पुट कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग को कैलकुलेशन आसान होगा ना, जूल नहीं तो कैलोरी में पुट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे और कोई यूनिट नहीं दिया है यहाँ पे, तो हम लोग कैलोरी में लिखेंगे आंसर को, हम लोग को कैलकुलेशन में आसान होगा, टू कैलोरी बोला था आपका वैल्यू तो टू टू कर दिया, मतलब क्या हो गया फाइव, सीवी का वैल्यू कितना हो गया फाइव हो गया सीवी, अच्छा सीपी को भी निकाल लेते हैं, सीपी इक्वल्स टू क्या था बोलो, सीबी प्लस आर, सीबी प्लस आर मतलब फाइव प्लस टू इक्वल्स टू सेवन, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, क्लियर हुआ सबको यहाँ तक, अब देखो वैल्यू को पुट करो, डेल्टा इक्वल्स टू क्या था एन सीबी डेल्टा टी, एन का वैल्यू 0.5, सीबी का वैल्यू 5, डेल्टा टी मतलब चेंज कितना 125 माइनस 25 0.5 इंटू फाइव इंटू हंड्रेड तो कितना हो रहा है 500 इंटू 0.5 मतलब 250 क्या हो गया, ओके यहां तक सबको समझ में आ गया, डेल्टा में निकाला सबको समझ में आ गया ना, अब आते क्यू में आते, क्यू को कैसे निकालेंगे, देखो क्यू का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे क्या क्या है, कांस्टेंट क्या क्या है, प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर मतलब क्यू इक्वल्स टू क्या हुआ, एन बोलो सी पी डेल्टा टी, एन सी पी डेल्टा टी क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर दिया है, ठीक है, तो एन का वैल्यू पुट कर लेते हैं 0.5, सीपी का वैल्यू 7, डेल्टा टी का वैल्यू 100, 700 इंटू 0.5 350, ठीक है। अब हम लोग को चाहिए क्या चाहिए, डब्ल्यू चाहिए, वर्क चाहिए, देखो वर्क को कैसे निकाल लो, अच्छा समझना यहाँ पे, वर्क को हम लोग को फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला था, डेल्टा सॉरी हाँ डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ओके तो डब्ल्यू इक्वल्स टू होगा डेल्टा यू माइनस क्यू, डेल्टा यू का वैल्यू आया था हम लोग को 2
250 और क्यूब का वैल्यू आया 350 तो कितना आ रहा है वर्क कितना आ रहा है 100 माइनस 100 तो इसको क्या बोलेंगे वर्क डन बाय द गैस या वर्क डन ऑन द गैस बोलो बाय वर्क डन बाय द गैस वर्क डन बाय द गैस यहां पे गैस खुद काम कर रहा है ठीक है समझ में आया सबको और एक क्वेश्चन देख लेता हूं फिर हम लोग दूसरे टॉपिक में जाएंगे बोले इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस In an isothermal process, 150 joule of work done on the gas, on an ideal gas, calculate Q and delta U. अच्छे समझना एंड आइसोथर्मल प्रोसेस 150 जूल ऑफ वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस कैलकुलेट डेल्टा यू एंड क्यू भाई वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू क्या है कितना क्या है डब्ल्यू इक्वल टू कितना लिखूंगा बोलो 150 जूल प्लस या माइनस 150 जूल प्लस माइनस प्लस प्लस अगर क्यू देखें हमें बोला वर्क डन ऑन द गैस यहाँ तक समझ में आ गया अब मेरे को डेल्टा एम निकालना है डेल्टा एम निकालने का फॉर्मूला क्या था एन सी वी डेल्टा टी आइसोथर्मल प्रोसेस बोला है डेल्टी का वैल्यू कितना है आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टी का वैल्यू कितना होगा फॉर आइसोथर्मल जीरो होगा आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टी जीरो तो डेल्टा एम कितना हो जाएगा डेल्टा यू भी कितना हुआ जीरो ओके अब हम लोग को पता है फॉर्मूला क्या है डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू तो क्यू इक्वल्स टू होगा डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू डेल्टा यू का वैल्यू जीरो था माइनस ऑफ 150 तो कितना होगा माइनस 150 ओके क्यू का वैल्यू कितना हो गया माइनस 150 तो इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं क्यू क्यू का वैल्यू माइनस में आ रहा है मतलब ये गिवन टू द सिस्टम ठीक है सॉरी ये गिवन बाय द सिस्टम अच्छा और एक क्वेश्चन दे रहा हूं लास्ट पी वर्सेस वी का है यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है वन टू थ्री टू फोर ओके इसका दिया है आपको डेल्टा यू का वैल्यू दिया है डेल्टा यू इक्वल टू प्लस 200 जूल पूछा गया है इसका डेल्टा क्यू निकालो कैसे निकालोगे इससे वर्क डन निकाल पाओगे आप ग्राफ से डब्ल्यू प्लस क्या होगा वर्क डन क्या था फॉर्मूला ग्राफ से क्या होता है जल्दी से वर्क डन ग्राफ से कैसे निकालेंगे कल कितना सारा बनाया था वर्क डन ग्राफ से निकालने का फॉर्मूला एरिया अंडर कर्व एरिया अंडर कर्व इसका एरिया निकाल लेते हैं कैसे दिख रहा है ट्रापीजियम से दिख रहा है ना हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है सम ऑफ पैरेलल साइड यहां से यहां तक 2 प्लस यहां से यहां तक 4 इनटू इन दोनों का डिस्टेंस कितना 2 6 आंसर ए प्लस क्या माइनस बता दीजिए मुझे आंसर में प्लस होगा क्या माइनस होगा वॉल्यूम क्या हो रहा है वॉल्यूम क्या हो रहा है बढ़ रहा है घट रहा है क्या हो रहा है
क्या हो रहा है? इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या होगा वर्धन? अच्छा यहाँ पे प्रेशर एटीएम में प्रेशर एटीएम में था और वॉल्यूम किसमें था? लीटर में था। तो आंसर क्या होगा? आंसर में एटीएम लीटर। बट हम लोग को एटीएम लीटर नहीं लिख सकते, हम लोग को इसमें जूल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे नोट करो, एटीएम लीटर को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? एटीएम लीटर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.3 जूल में होता है, मतलब 101 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करना है। फिर से बोलो, देखो माइनस क्या बोल रहे हो? देखो यहाँ पे क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है इसके, तो माइनस होगा। क्या था फॉर्मूला? पी एक्सटर्नल डेल्टा वी था ना, माइनस ये बढ़ेगा, ये पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा? वॉल्यूम नेगेटिव होगा। आया समझ में? यहाँ पे एटीएम लीटर, एटीएम लीटर को हम लोग जूल में कन्वर्ट, तो 103.3 इंटू 6 माइनस जूल, कितना आंसर है? देखो इसका 101.3 इंटू 6 मतलब 6 18 8 7 0 6 माइनस इतना जूल। हम लोग को निकालना क्या है? डेल्टा क्यू निकालना है। तो हम लोग को पता है डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो गया? डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। मिल जाएगा डब्ल्यू का वैल्यू पुट करोगे तो आया समझ में? आया न्यूमेरिकल समझ में? आएगा न्यूमेरिकल बार बार बहुत सारा न्यूमेरिकल आएगा इससे। अच्छा और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए ऐसे दे दिया, पी वर्सेस वी का दे दिया है, ए से सॉरी ए से बी जा रहा है, पहला स्टेप में सेकंड स्टेप में, ये पहला तरीका है, दूसरा तरीका, ठीक है? अच्छे समझना ना, पहला तरीका क्या है और दूसरा तरीका। क्वेश्चन दिया है Q1 इक्वल टू Q2, दूसरा दिया है ऑप्शन में Q1 इक्वल टू Q2, तीसरा दिया है Q1 लेस देन Q2, सॉरी ऑप्शन इतना है ना, पूछा गया है Q1 ग्राफ दिया है ऐसे, बस इस तरीके इस पाथ में जा रहा है और इस पाथ में जा रहा है, ये वन के लिए मतलब Q1 इक्वल टू Q2 होगा। क्या Q1 इक्वल टू Q2 होगा? तो Q1 लेस देन Q2 होगा। ऐसे करोगे कुछ दिमाग लगाओ कैसे बनाना चाहिए बताओ बताओ। Q1 इक्वल टू Q2 होगा? नहीं होगा। Q1 इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। Q1 स्टेट फंक्शन थोड़ी है। यहां पर एक बात समझाओ, हम लोग क्या बात होता है डेल्टा यू, यहां पर एक बात सबसे पहले हां, डेल्टा इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू था क्या? नहीं, ये फॉर्मूला था मेरे पास, ठीक है? अब देखो डेल्टा पहले एक प्रोसेस में अगर करूंगा तो डेल्टा E1 इक्वल्स टू Q1 प्लस W1। ओके, यहाँ का सबको समझ में आ गया। अगर नेक्स्ट क्लास में जाऊंगा तो डेल्टा U2 इक्वल्स टू Q2 प्लस W2। अब Q1 Q2 मेरे को पता नहीं है, Q1 Q2 को निकालना है, ठीक है? तो बस W1 और W2 को तो थोड़ा देख सकते हैं ना। वाल क्या था? ग्राफ से वाल निकालने का फॉर्मूला क्या था? बोलो बोलो जल्दी से। एरिया डेल्टा कर्व, मैं दोनों से क्यूब को निकाल लेता हूं ना। Q1 इक्वल्स टू क्या हो रहा है? डेल्टा Q1 माइनस W1। इसमें Q2 इक्वल्स टू हो रहा है डेल्टा U2 माइनस W2। तो पहला पार्ट में देखो, अच्छा समझो यहां पे, पहला पार्ट में जब जा रहे हैं तो वाल का क्या हो रहा है? यहां से आ रहा है पूरा, ये सब लोग जब फर्स्ट पाथ में जा रहा था पूरा, देखो यहां से यहां तक हुआ, ठीक है? बट सेकेंड पाथ में जब जा रहा है, जब सेकेंड पाथ में जा रहा है वो अगर कहां से कहां तक हो, तो नीचे वाला,
नीचे वाला ए ये वाला यस और नो समझो अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं एरिया अंडर द कार इस कार का अंडर का एरिया मतलब क्या नीचे वाला होगा बस इस कार का मतलब यहां से पूरा आ रहा है ना अब बताओ कौन सा पार्ट में ज्यादा वर्क कर रहा है कौन सा पार्ट में वर्क डन ज्यादा है वन में के टू ह्यूमन क्यों ह्यूमन मेरे को वर्क डन पूछा हूं पहला पार्ट में होगा क्या सेकंड पार्ट में पहला पार्ट में क्या होगा वर्क डन ज्यादा होगा मतलब हो रहा है w1 greater than w2 यस और नो w1 greater than w2 यस और नो अगर मेरे पास w1 ज्यादा है w2 से समझो अच्छे से w1 ज्यादा है w2 से तो q क्या होगा q किस में लगा होगा q1 कौन ज्यादा होगा q1 या q2 अच्छे से सोच समझ के बोलना मेरे पास है w1 क्या होगा q1 ज्यादा है q2 ज्यादा होगा q देखो यहां पे समझो अगर जिन लोगों को समझ नहीं आया उनके लिए बोलो देखो लेकिन मान लीजिए जब ऐसा है तुम लोगों को 30 इक्वल्स टू है मेरे पास 60 माइनस 30 ओके एक तो ये वाला लिखा हूं ठीक है पहले में W1 30 था अब देखो क्या कर रहा हूं मैं इसका वैल्यू मेरे को नहीं पता अभी 60 माइनस अब इसका वैल्यू मेरे को क्या W2 क्या था कम था इसको मैं 20 लिख रहा हूं Q कितना आएगा यहां कम चीज को माइनस करूंगा तो यहां पे आंसर में क्या होगा ज्यादा वैल्यू आएगा ऑटोमेटिकली यहां पे कितना 40 तो क्या होगा Q2 इज ग्रेटर देन Q1 समझ में आया सबको यस सर